राजस्थान, जो यहाँ पर मौजूद शानदार हवेलियों और महलों की वजह से पूरी दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन इससे अलग राजस्थान को मेलों और उत्सवों की धरती भी माना जाता है, और इन उत्सवों में राजस्थान में लगने वाला पुष्कर मेला सबसे बड़ा उत्सव है। अगर बात करें पुष्कर मेले की, तो यह मेला तीन ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई पुष्कर नगरी में हर साल कार्तिक माह में लगता है, जो इस साल 2017 में 23 अक्टूबर से शुरू होकर 4 नवंबर तक चलेगा। इस भव्य और विश्व प्रसिद्ध मेले में लगभग 5 लाख से भी ज्यादा लोगों की भीड़ जुटती है, जिनमें यहाँ के गांव वाले, पशुपालन करने वाले और देश विदेश से आए हुए सैलानी भी शामिल होते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया और देश विदेश के टूरिस्ट के बीच पुष्कर मेले की प्रसिद्धि बढ़ती गई, वैसे ही यहाँ राज्य के पर्यटन विभाग ने भी इस ओर ध्यान देना शुरू कर दिया, और अब इस मेले को और भी इंटरटेनिंग बनाने के लिए इस मेले में और भी कई एक्टिविटीज ऐड कर दी गई हैं। जैसे यहाँ बाकी मेलों की तरह आपको दिख जाएंगे बड़े बड़े चक्करदार झूले, लकड़ी की हिंडोले और चरखियाँ, और साथ ही यहाँ पुष्कर मेले में होने वाला काले जादू का शो और मौत के कुएं में दिखाए जाने वाले करतब, यहाँ के स्थानीय लोगों को ये चीजें बहुत पसंद आती हैं। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण, जिसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो है यहाँ पर लगने वाला पशु मेला। यहाँ पर लगने वाले पशु मेले में पशुओं की भारी तादाद देखने को मिलती है, जिसमें लोग गीर, मेवती और नागौरी जैसे बढ़िया नस्लों के ऊंटों के अलावा घोड़े, गधे और बैल खरीदने भी आते हैं। हालांकि बिहार के सोनपुर में होने वाले पशु मेले को दुनिया के सबसे बड़े पशु मेले का खिताब हासिल है, लेकिन फिर भी अगर हम पुष्कर मेले में लगने वाले कैमल फेयर की बात करें, तो इसे दुनिया का सबसे बड़ा कैमल फेयर माना जाता है। यहाँ लगने वाले कैमल फेयर में आपको हजारों की संख्या में सजे धजे ऊंट बिकने के लिए तैयार मिल जाएंगे, जो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पर आपको झुंडों में दिखाई देंगे। यहाँ पर पशुपालक अपने अपने पशुओं के साथ ही रहते हैं, और यहाँ उनकी देख रेख में यहाँ लोगों का मनोरंजन करने के लिए पशुओं के करतब भी दिखाए जाते हैं। इस कड़ी में सबसे ज़्यादा इंटरटेनिंग होता है ऊंट, घोड़ों और बैलों की दौड़ देखना। वैसे राजस्थानी कल्चर को दिखाने वाला पुष्कर मेला अब केवल जानवरों की खरीद फरोख्त तक ही सीमित नहीं रह गया, अब यहाँ कई तरह के गेम्स और एक्टिविटीज़ भी ऑर्गेनाइज होने लगी हैं, जिनमें शामिल होते हैं कबड्डी, वॉलीबॉल, म्यूजिक चेयर, मटका रेस, ऊँटों का डांस, सनसेट सफारी, बैलून सफारी, ब्राइड एंड ग्रूम कॉन्टेस्ट और म्यूजिकल इवनिंग। ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे, जो यहाँ पे आने वाले टूरिस्ट को बहुत पसंद आते हैं। यहाँ इस पुष्कर मेले में अपनी रंग बिरंगी वेशभूषा में घूमते हुए राजस्थानी लोग आपको दिख जाएंगे, जिनमें पगड़ी पहने हुए बड़ी बड़ी मूंछों वाले पुरुष दिखेंगे, तो वहीं अपनी पारंपरिक पोशाक, लहंगा चुनरी और आभूषण पहने हुए औरतें दिख जाएंगी। यहाँ पर विदेशी टूरिस्ट तो जैसे यहाँ के बाकी सारे कार्यक्रमों को भूलकर यहाँ दिखने वाली राजस्थानी जीवन शैली को अपने कैमरे में कैद करने में ही खो जाते हैं। इस मेले में घूमते हुए आप अपने आसपास देखेंगे छोटी बड़ी गुमटियों की कतारें, जहां इन गुमटियों पर बिकने के लिए सजी हुई डिजाइनर जूतियां, चुनरी, ओढ़नी, मोतियों की माला, रंग बिरंगी पगड़ियां और पारंपरिक आभूषण देखकर आपका भी मन होगा कि आप इसे खरीद लें। यही मानिए, इस मेले में इतनी देखने लायक चीजें आपको मिलेंगी कि सुबह से शाम कब हो गया आपको पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पर खाने पीने की कौन सी चीज़ें ज़्यादा फेमस है, आइए अब इस बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ राजस्थानी कल्चर की सबसे स्वादिष्ट डिश दाल बाटी चूरमा है। इसके अलावा यहाँ पर सबसे ज़्यादा आलू कचौड़ी बिकती है, जिसका रेट 15 रुपये से 25 रुपये प्लेट तक होता है। हालांकि यहाँ की सरकार द्वारा तो पूरी कोशिश की जाती है यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, फिर भी भारी तादाद में जुटने वाली टूरिस्ट की भीड़ की वजह से पुष्कर में होटल और धर्मशालाओं में भी कमरे मिलने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ होटलों में एडवांस बुकिंग करना ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित होगा। पुष्कर के सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन है अजमेर, जो यहाँ से बस 11 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ तक पहुँचने का
मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा। और वैसे भी अजमेर रेलवे स्टेशन बाकी प्रमुख सिटीज से सीधा जुड़ा हुआ है, और अजमेर आने के लिए आपको दिल्ली और जयपुर से शताब्दी जैसी अच्छी ट्रेन्स भी मिल जाती हैं। अजमेर रेलवे स्टेशन से आप जैसे ही बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे यहाँ आपको टैक्सी वाले अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करेंगे। इसलिए बेस्ट होगा कि आप स्टेशन के बाहर आकर वहाँ के किसी लोकल दुकानदार से आगे जाने का रास्ता पूछें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के बगल में दिए गए बेल बटन को भी जरूर क्लिक कर दीजिए। और अब आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं।